आज मैं अपनी किचन में आपके लिए बनाने वाली हूँ काले चने की ऐसी रेसिपी जो बिल्कुल ही नई है और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, साथ के साथ टेस्टी तो वो इतनी है कि आप कोई भी अपनी अच्छी से अच्छी रेसिपी उसके सामने भूल जाएंगे। और आज मैं आपको एक रेसिपी से आपको दो दो रेसिपी बनाना बताऊंगी। आप उससे ब्रेकफास्ट भी बना सकते हैं और आप उसके साथ लंच भी बना सकते हैं। वेलकम टू विजय'स होम किचन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और हाँ, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपका कोई सजेशन है मेरे वीडियो को लेके तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। काले चने की रेसिपी है तो उसमें काले चने तो लगेंगे। यहाँ पे मैंने एक कटोरी काले चने को ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। इसको आपको ओवरनाइट सोक करना है। अगर आप डिनर में इसे रेसिपी को बनाना है तो आप सोक करके रख सकते हैं 4-5 आवर्स के लिए। तो मैंने इसे सोक कर दिया था, अच्छे से ये फूल गए हैं और अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये देखिए, ग्राइंडर में मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और इसमें आप अभी स्टार्टिंग में वाटर ऐड मत करिएगा। इसके साथ मैं इसके अंदर डालूँगी कुछ कलियाँ लहसुन की। ये 3 कलियाँ मैंने लहसुन की डाली है। 1 डाली है इसमें मैंने अदरक 1/2 इंच की। इसके साथ डाला है 2 से 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे साबुत धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसके साथ डालूंगी कुछ मसाले। उसमें जाएगा 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून जीरा डाला है मैंने इसके अंदर। इसके साथ जाएगा हींग। हींग आप इसमें अवॉइड मत करिएगा, हींग का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी फाइन पेस्ट में। और ये देखिए, ग्राइंड कर लिया है मैंने इसे फाइन पेस्ट में। मैंने इसमें बाद में थोड़ा सा वाटर ऐड किया था, आप अकॉर्डिंगली ही ऐड करिएगा। बहुत ज़्यादा वाटर आप ऐड मत करिएगा, बस इतना ही ऐड करिएगा कि आप पिस जाए। और अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और आपको ये अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है, आपको इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए क्योंकि हमें इसे स्टीम करना है। थोड़ा सा मैंने अभी रोक लिया है। अब ये जो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पेस्ट बचाया है, इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं। इसके साथ मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली। और अगर आपको लहसुन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में तो आप यहाँ पर लहसुन की भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसे ग्राइंड करके एक साइड रख लूँगी। ये देखिए, टोमेटो और चने पेस्ट मैंने तैयार कर लिया, इसे मैं एक साइड रख दूंगी। और ये जो पेस्ट है, अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले और ऐड करूंगी। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और इसके साथ जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जब मैंने इसके अंदर मसाले ऐड करे थे, एक साइड मैंने जो हमारा स्टीमर है उसे भी स्टीम होने रख दिया था उसके अंदर वाटर ऐड करके। और यहाँ पे मैं एक प्लेट पे ऑयल लगा लूंगी जिस पे मुझे इसे रख के स्टीम करना है। आप चाहें तो जो हमारी इडली स्टैंड आता है उसमें भी इसे बना सकते हैं इडली के फॉर्म में, वो भी बहुत ईजी मेथड है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सोडा मैंने ये ऐड किया है 1/2 टीस्पून। और इसके ऊपर थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और बहुत अच्छे से चलाते हुए मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा आपको चलाना भी नहीं है, जस्ट इतना कि बेकिंग सोडा इसमें अच्छे से मिल जाए। अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और अच्छे से टैप करते हुए मैं इसे फैला लूँगी। आप ध्यान रखिएगा, जो आपका पेस्ट है वो इतना ही होना चाहिए, ना तो ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। तो उस अकॉर्डिंग ही आप उसके अंदर वाटर ऐड करके उसे पीसिएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए अपना स्टीमर तैयार कर लिया था। और ध्यान रखिएगा, इसमें वाटर आप बहुत ज़्यादा ऐड मत करिएगा स्टीमर में, क्योंकि वो प्लेट के ऊपर आ सकता है। अब मैं इसे 15 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे स्टीम करूंगी। पहले स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में इसे हाई फ्लेम पे करूंगी और उसके बाद 10 मिनट्स में इसे लो फ्लेम पे करूंगी। जब तक हमारा वो स्टीम हो रहा है तब तक ग्रेवी की तैयारी कर लेते। ग्रेवी के लिए यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून ऑयल ऐड किया था, उसके साथ डाला है 1 टीस्पून गार्लिक और 1 अनियन को चॉप करके। अब अनियन को मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अनियन को आपको कलर चेंज होने तक फ्राई करना है और स्लो फ्लेम पे ही करिएगा, हाई फ्लेम पे मत करिएगा अनियन को फ्राई। और ये देखिए, ये अनियन अच्छे से फ्राई हो गई है, इनका कलर एकदम चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुछ मसाले। मसालों में सबसे पहले जाएगा रेड चिली पाउडर, देगी मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। इसके साथ मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून किचन किंग मसाला, ये बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके साथ डाला है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और वो पेस्ट ऐड कर दूंगी जो टोमेटो का और काले चने का मैंने पेस्ट बना के रखा था। और इस पेस्ट को भी इसके साथ बहुत अच्छे से भून लूँगी और थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी। वॉश कर लिया था ग्राइंडर को, वही वाटर ऐड कर दिया है। वाटर मैं इसमें बाद में भी थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। अब मैं इसे इस टाइप से मिक्स करते हुए कुक कर लूँगी।
और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सॉल्ट 1 टीस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो हमने स्टीम किया है उसमें भी हमने सॉल्ट ऐड किया था और मैंने इसे 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ दिया था। ये हमारा अच्छे से कुक हो गया और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और आप चाहें तो इसमें मीट मसाला भी ऐड कर सकते हैं अगर आप खाते हैं, और अगर आपके पास है उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी के अंदर। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके साथ मैं थोड़ा सा वाटर इसमें और ऐड करूँगी। मैंने इसमें टोटल वाटर 1 ग्लास वाटर मैंने इसके अंदर ऐड किया था, और वो उसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ डाला है कस्तूरी मेथी 1 टीस्पून और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। हमारी इंडियन करीज के अंदर फ्रेश कोरिएंडर ना डले ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके साथ मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कवर करके 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ दूंगी स्लो फ्लेम पे। तो जब तक हमारा ये कुक हो रहा है तब तक हम अपने स्टीमर में से अपनी प्लेट निकाल लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमारा जो पेस्ट है वो स्टीम हो गया है चने का, और इसे मैं कट कर लूंगी। आप ठंडा करके ही कट करिएगा, मैंने ये निकाल के पहले रख दिया था, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया उसके बाद ही मैंने इसे कट किया। और ये देखिए बहुत अच्छे से ईजिली ये कट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सोडा ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, नो वरीज। और ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये स्टीम हुआ है, बहुत परफेक्ट बना है, एकदम सॉफ्ट। अब मैं सारे पीसेस निकाल लूंगी और अब मैं इनमें एक और प्रोसेस करूंगी जिसकी वजह से आप इन्हें ब्रेकफास्ट में भी यूज कर सकते हैं। इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसे आप ब्रेकफास्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसे इस टाइप से हाई फ्लेम पे नॉन स्टिक तवे पे दोनों साइड से सेक लूंगी क्रिस्पी होने तक। आप ये चाहें तो स्टेप स्किप कर सकते हैं, पर इससे क्या होता है जो आपका फ्लेवर है बहुत अच्छा आ जाता है। आप चाहें तो इसे बटर में भी रोस्ट कर सकते हैं इस टाइप से। और ये देखिए हमारे ये क्रिस्पी हो गए थे, मैंने इन्हें एक साइड निकाल लिया है। आप चाहें तो स्टेज तक इन्हें निकाल के आप सॉस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आप इसे अनियन और प्याज के साथ अगर फ्राई कर लेंगे तो आपकी ये ब्रेकफास्ट रेसिपी हो गई ना, एक रेसिपी से दो दो रेसिपी। तो इन्हें तो मैंने साइड में रख लिया है, और एक साइड चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई है या नहीं। और ये देखिए हमारी ग्रेवी भी अच्छे से कुक हो गई है, ऑयल रिलीज कर दिया है ग्रेवी ने, और बहुत ही यम्मी हमारी ग्रेवी लग रही है देखने में। ये देखिए वाव। अब मैं इसमें आप चाहें तो थोड़ा वाटर और ऐड कर सकते हैं, आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इस स्टेज पर वाटर ऐड करते हैं तो थोड़ा वाटर बॉइल करके ही ऐड करिएगा। अब मैं इसके अंदर जो मैंने पीसेस कुक करके रखे थे वो ऐड कर दूंगी एक एक करके। और हाँ, ये पीसेस आप बिल्कुल उस टाइम पे ही ऐड करिएगा जब आप ये रेसिपी सर्व करने वाले हो, पहले से ऐड करके मत छोड़िएगा। अगर आप सेक रहे हैं तो आप इन्हें पहले ऐड कर सकते हैं, पर अगर आप सेक नहीं रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट स्टीम करके इन्हें ऐड कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि जब आप सर्व करने जाएं उससे पहले ही आप 5 मिनट्स के लिए इन्हें सोक कर दें ग्रेवी के अंदर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी फ्रेश कोरिएंडर, एज यूजुअल हमारी करीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एकदम परफेक्ट हमारी करी ये बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी ये लग रही है। आप चाहें तो इसे इस स्टेज पे भी इसे सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसमें एक और मेन इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी, उससे पहले मैं इसे थोड़ी देर और कुक करूंगी। ये देखिए इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वाटर, ये मैंने बॉईल करके लिया है वाटर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो आप गाढ़ी भी खा सकते हैं, थिक ग्रेवी की भी खा सकते हैं, और आपको अगर इसको बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में खाना है तो आप लिक्विडी भी कर सकते हैं, दोनों में ही इसका टेस्ट अच्छा आता है, आप किसी भी फॉर्म में इसे खा सकते हैं। हमारी ग्रेवी बहुत ही परफेक्ट एकदम बन के तैयार हुई। अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पर ऐसे ही कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अप्रिशिएट करता है, मुझे मोटिवेट करता है और अच्छी और न्यू वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। और ये देखिए हमारी ग्रेवी, वाओ, देख रहे हैं कितनी परफेक्ट सब्जी बन के तैयारी, लग ही नहीं रहा ये काले चने की सब्जी है। और ये है वो मेन इन्ग्रीडियंट जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, ये है घर के दूध की मलाई। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, पर मुझे ये टेस्ट में अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने ऐड किया। आप यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ मैं इसे मिक्स कर लूंगी। और हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, परफेक्ट सब्जी, परफेक्ट टेस्ट। और अगर आप ये एक बार खा लेंगे डेफिनेटली आप रेसिपी दोबारा ट्राई जरूर करेंगे, दोबारा जरूर बनाएंगे, और जो भी ये रेसिपी खाएगा वो उंगली अपनी जरूर चाटता रह जाएगा।
रेसिपी हमारी रेडी होगी, इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैं इसे बाउल में ट्रांसफर कर लूंगी। एकदम परफेक्ट हमारी सब्जी बनके तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी ये परफेक्ट सी काले चने की सब्जी अच्छी लगी हो, थोड़ी अलग लगी हो, नई लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ अब मैं आपसे और अच्छी और ईजी रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।